मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रोफेसर जोसेफ अपनी मर्सिडीज गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और वो एक फोटो को देख रहे होते हैं। फोटो के अंदर तीन बंदर आपस में जुड़े हुए होते हैं। फोटो कुछ इस तरीके से होती है कि एक बंदर के पीछे दूसरा बंदर और दूसरे बंदर के पीछे तीसरा बंदर, ये तीनों बंदर आपस में जुड़े हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जोसेफ की गाड़ी के पीछे एक ट्रक ड्राइवर आता है, वो गाड़ी से उतरता है और मूतने के लिए झाड़ के पास चला जाता है। अब जब ट्रक ड्राइवर झाड़ पे मूत ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि पीछे से प्रोफेसर उसके ऊपर बंदूक तानते हैं। मूवी के अगले सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं, एक का नाम जेनी होता है और एक का नाम लेंसी होता है। ये दोनों लड़कियां टूरिस्ट होती है जो न्यूयॉर्क से जर्मनी घूमने के लिए आई हुई होती है। अब इन दोनों लड़कियों को रात को एक पार्टी में जाना है जिसकी लोकेशन लेंसी अपने फोन पे मंगवा रही है। लोकेशन लेने के बाद में दोनों लड़कियां पार्टी के लिए निकलती हैं। अब ऐसे तो दोनों लड़कियां टूरिस्ट होती है लेकिन इनको जर्मनी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता और जो लोकेशन इनके पास होती है वो एक जंगल के रास्ते से होके निकलती है, तो ये जंगल के अंदर से निकलने लगते हैं। तभी लोकेशन की डायरेक्शन गलत होने की वजह से जेनी गाड़ी को यूटर्न लेती है और तभी इनके गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हो जाता है। अब ये गाड़ी से बाहर निकलती है और टो वैन वाले को फोन लगाते हैं लेकिन जंगल होने के कारण इनके फोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। अब मोबाइल में नेटवर्क नहीं आने की वजह से ये फोन नहीं लगा पाते हैं और आसपास घना जंगल होने के अलावा इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो ये दोनों लड़कियां डिसाइड करती है कि ये गाड़ी के अंदर बैठ करके ही किसी के आने का इंतजार करेगी और रोड से गुजरने वाली गाड़ियों से मदद मांगेगी। तभी इनकी गाड़ी के पास में एक दूसरी गाड़ी आके रुकती है और एक गाड़ी के ड्राइवर से मदद मांगती है, लेकिन ये देखती है कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ एक शराबी बुड्ढा है और जो इनको देख करके गंदे गंदे इशारे कर रहा है और गंदी गंदी बातें इनसे कर रहा है, तो ये अपनी गाड़ी को लॉक कर लेती है और के जाने का इंतजार करती है। शराबी बुड्ढे के जाने के बाद में ये दोनों लड़कियां डिसाइड करती है कि रात को गाड़ी में रुकना सेफ नहीं होने वाला, तो इसके लिए ये डिसाइड करती है कि हमको गाड़ी से बाहर जाकर के किसी से मदद मांगनी चाहिए। तभी ये जंगल के रास्ते पे निकल जाती है और इनको दूर से जंगल के अंदर एक घर के अंदर जलती हुई लाइट दिखाई देती है। ये उस घर की तरफ आगे बढ़ती है लेकिन तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और जब तक ये उस घर तक पहुंचती है तब तक ये पूरी भीग जाती है। अब जैसे ही जेनी घर की डोरबेल बजाती है तो ये देखती है कि घर के अंदर से प्रोफेसर जोसेफ निकल के आते हैं। ये वही प्रोफेसर है जिन्होंने पहले ट्रक ड्राइवर को मार दिया था। प्रोफेसर के गेट खोलने के बाद में ये उनसे एक टेलीफोन करने की मदद मांगती है। ऐसे के अंदर प्रोफेसर इनको घर के अंदर बुलाता है। जब ये दोनों लड़के प्रोफेसर के घर के अंदर जाती तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी अजीब सी पेंटिंग्स लगी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है। उसके बाद में प्रोफेसर इनको बैठने के लिए बोलता है और प्रोफेसर इनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों ट्रैवलर हो। ऐसे के अंदर दोनों लड़कियां बताती है कि हाँ, हम न्यूयॉर्क से ट्रैवल करने के लिए जर्मनी आए हैं और यहाँ पे हमारी गाड़ी फंस चुकी है, क्या आप हमारी मदद करोगे, हम किसी को फोन करना चाहते हैं। इनकी ये बात सुनने के बाद में प्रोफेसर इनकी बातों को इग्नोर कर देता है और इनसे अगला सवाल पूछता है। प्रोफेसर जोसेफ इनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव्स हो, तो ऐसे के अंदर दोनों लड़कियां इनको बताती है कि हम रिलेटिव्स नहीं है लेकिन हम फ्रेंड हैं। और इतना बताने के बाद में ये इनसे वापस से फोन लगाने की बात करती है, तो ये बात सुनने के बाद में प्रोफेसर किचन की तरफ जाते हैं और एक फोन लगाने का नाटक करते हैं जिनसे इन लड़कियों को लगता है कि प्रोफेसर इनकी मदद कर रहे हैं। और साथ ही वो किचन में से पानी लेते हैं और पानी के अंदर एक ड्रग मिला देते हैं। ड्रग मिला हुआ पानी प्रोफेसर दोनों को पीने के लिए देते हैं। लेंसी तो पूरा पानी पी जाती है लेकिन जेनी गलती से उस पानी को गिरा देती है। जेनी के पानी गिरा देने के बाद में प्रोफेसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इन दोनों के ऊपर चिल्लाते हैं। ये देखने के बाद में प्रोफेसर वापस से किचन की तरफ जाते हैं और पोचा लेके आने की बात करते हैं, लेकिन किचन में जाने के बाद में वो एक इंजेक्शन लेके आते हैं। और अब जब प्रोफेसर इंजेक्शन लेके आ रहे होते हैं तभी लेंसी को चक्कर आने लगते हैं और उसका जो नशा है ड्रग का वो उसके ऊपर हावी होने लगता है। लेंसी के बेहोश होने के बाद में जेनी दोबारा से प्रोफेसर को कॉल लगाने के लिए कहती है। इसके ऊपर प्रोफेसर कॉल लगाने के लिए मना कर देता है और वही इंजेक्शन जो वो किचन से लेके आया है वो जेनी के गर्दन में लगा देता है। इंजेक्शन लगने के बाद में जेनी फौरन से बेहोश हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपना ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे उन दोनों लड़कियों को होश आता है और वो अपने आप को एक बिस्तर पे पाती है जिनमें उनके हाथ पांव बंधे हुए होते हैं और हमको मालूम चलता है कि ये प्रोफेसर की लैब है। और उन दोनों लड़कियों के साथ में एक और आदमी भी इनके बगल में लेटा हुआ होता है और तब हमें मालूम चलता है कि ये वही ट्रक ड्राइवर है जिसको प्रोफेसर ने मूवी के स्टार्टिंग के अंदर ही बेहोश कर दिया था। अब प्रोफेसर लैब के अंदर आते हैं और उस ट्रक ड्राइवर से कहते हैं कि तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप है वो मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए तुमको अभी मरना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद में वो एक जहरी
जहरीला इंजेक्शन उस ट्रक ड्राइवर की नसों में उतार देते हैं, जिससे ट्रक ड्राइवर की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उसकी डेड बॉडी को प्रोफेसर अपने गार्डन के अंदर गाड़ देते हैं। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि प्रोफेसर उसी बेहोश करने वाले इंजेक्शन से एक और इंसान को पकड़ के लेके आते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, और ये जो इंसान होता है ये एक जैपनीज होता है, और उस जैपनीज इंसान को प्रोफेसर उसी ट्रक ड्राइवर वाले बेड के ऊपर लेटा देते हैं। अपने आप को बंधा हुआ पाने के बाद में जेनी और लिंडसी आपस में चिल्लाने लगती है। तभी प्रोफेसर इनके सामने आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जन है, और रिटायर्ड सर्जन होने के साथ साथ वो एक साइकोपैथ भी है। इससे पहले वो काफी सारे अतरंगी ऑपरेशन कर चुका है, और जो हमने फोटोग्राफ स्टार्टिंग में देखा था जिसमें तीन बंदर आपस में जुड़े हुए थे वो प्रोफेसर ने ऑपरेशन करके जोड़े थे, और वैसा ही ये कुछ अब इंसानों के साथ में भी करना चाहता है। प्रोफेसर जोसेफ इन तीनों को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं कि वो किस तरीके से इन तीनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ देगा। मैं ये बताते हैं कि सबसे पहले आगे वाले इंसान के मुंह के जबड़े को बाहर निकाल देगा, और उसके पीछे दूसरे इंसान को जोड़ देगा, और उसके पीछे तीसरे इंसान को जोड़ देगा। साथ ही इनकी ये घुटनों की हड्डियां भी बाहर निकाल देगा, जिसके कारण ये तीनों खड़े नहीं हो पाएंगे, और ऐसा ही कुछ डायग्राम के अंदर भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये सीन इस मूवी का सबसे वाहिया सीन है। इस सीन को देखने के बाद में आपका दिमाग खराब होने वाला है, और जब ये तीनों को पता चलता है कि उनके साथ में ऐसा कुछ होने वाला है तो वो चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। कि इस ऑपरेशन के होने के बाद में जब पहला वाला इंसान खाना खाएगा तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको दूसरा वाला इंसान खाएगा, और उसके वेस्ट मटेरियल को तीसरा वाला इंसान खाएगा, और ये इसलिए हो पाएगा क्योंकि इन तीनों के जो टिश्यू हैं वो मैच हो रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेसर जोसेफ उस जैपनीज इंसान को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। उसके बाद में वो एक लड़की को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। लेकिन जब वो इंजेक्शन लगा ही रहे होते हैं तभी दूसरी लड़की अपना पांव छुड़ा करके वहां से भाग जाती है, लेकिन भागने के दौरान लिंडसी के हाथ के अंदर नीडल लगी हुई रहती है, जिसके कारण उसके हाथ की पूरी चमड़ी निकल जाती है और उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। लिंडसी एक कमरे में जाकर के खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन तभी प्रोफेसर जोसेफ खिड़की तोड़ करके कमरे के अंदर आ जाते हैं। लिंडसी कमरे से बाहर भागती है और पुल में जाके छिपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्रोफेसर जोसेफ वापिस से राइफल लेकर के लिंडसी के सामने आ जाते हैं। लेकिन जब वो लिंडसी को गोली मारने वाले ही होते हैं तभी वहां पे लाइटें चली जाती है, और इसका फायदा उठा करके लिंडसी पुल से बाहर निकल के भागने की कोशिश करती है। लिंडसी भाग करके वापस से प्रोफेसर के लैब में जाती है, जहां पे वो बेहोश जेनी को उठा करके बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो जेनी को लेकर के बाहर निकलती है तभी पीछे से प्रोफेसर उसको गोली मार देते हैं, और इस गोली के अंदर बेहोशी का इंजेक्शन होता है, जिसके बाद में लिंडसी वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब प्रोफेसर इन दोनों को वापस से अपनी लैब के अंदर ले आता है और उनका ऑपरेशन स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो उनके जबड़ों निकालता है, फिर उनकी घुटनों की हड्डियों को निकालता है, उसके बाद में उनके बैक के साइड से उनकी स्किन को बाहर कर देता है। ये ऑपरेशन देखने में बहुत ज्यादा वाहियात होता है और ये ऑपरेशन काफी लंबा चलता है। फिर मूवी के अगले सीन में हमको कुछ दिनों के बाद की कहानी देखने को मिलती है, जहां पे प्रोफेसर एक ड्रिंक ले रहे होते हैं और उनके सामने ह्यूमन सेंटीपेड पड़ा होता है, यानी कि वही तीनों इंसान जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन तीनों के जख्मों से अभी भी खून निकल रहा होता है, लेकिन उसके बाद में भी प्रोफेसर इन तीनों को खड़ा करने की कोशिश करता है। तीनों कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, जिसके अंदर सबसे आगे जैपनीज लड़का होता है, फिर लिंडसी, और उसके बाद में जेनी यानी कि पूछ बनने का काम करती है। प्रोफेसर अब इन तीनों को उठाता है और इनकी तस्वीरें निकालना शुरू करता है। प्रोफेसर इन तीनों को एक पिंजरे में बंद कर देता है और जानवरों जैसा व्यवहार इनके साथ करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद में प्रोफेसर उस जैपनीज इंसान को कुत्ते के बर्तन में खाना खाने को देते हैं। अब जैपनीज इंसान के खाना नहीं खाने पे प्रोफेसर उसके जबड़े को तोड़ देता है और उसको खाना खाने पे मजबूर करता है। मजबूर होकर जैपनीज इंसान खाना खाता है। अब प्रोफेसर इन तीनों को बाहर ले आता है गार्डन के अंदर। अब जब प्रोफेसर इन तीनों को बाहर गार्डन में लेके आता है तभी जैपनीज इंसान का पेट खराब होने लगता है और वो अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देता है। वो वेस्ट मटेरियल लिंडसी के मुंह में जाता है और मजबूरन लिंडसी को वो गंदा मटेरियल निगलना पड़ता है। डॉक्टर इन तीनों का चेकअप करता है और डॉक्टर को पता चलता है कि जैपनीज इंसान की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिंडसी को कॉन्स्टिपेशन हो चुका है और जेनी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है क्योंकि उसको खाने को कुछ भी मिला नहीं है। जेनी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण प्रोफेसर सोचता है कि क्यों ना जेनी को हटा करके किसी और को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। और जब वो इतना सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसके दरवाजे पे घंटी बजती है और वो जैसे दरवाजा खोलता है तो बाहर दो पुलिस वाले खड़े मिलते हैं। पुलिस वाले जेनी और लिंडसी को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए होते हैं क्योंकि प्रोफेसर के घर के पास में उनकी गाड़ी उनको मिल जाती है और वो प्रोफेसर से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर उनको अपने घर के अंदर आने को कहते हैं। प्रोफेसर उनको बताते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं और अपने काम
मैं इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ कि मेरे को दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं होता, और उन लड़कियों के बारे में भी डॉक्टर मना कर देता है कि वो उनको नहीं जानता। अब ऐसे के अंदर प्रोफेसर उन पुलिस वालों को पानी पीने के लिए पूछते हैं, तो पुलिस वाले उनसे कॉफ़ी मांगते हैं, तो इस पर प्रोफेसर उनको एक अजीब सा जवाब देते हैं कि उनके पास कॉफ़ी नहीं है, यहाँ पर उनको सिर्फ पानी ही पीने को मिलेगा। ये सुनने के बाद में दोनों पुलिस वाले प्रोफेसर को काफ़ी शक भरी निगाहों से देखते हैं, और प्रोफेसर उन दोनों के लिए ड्रग मिला हुआ पानी लेने के लिए किचन में चले जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर को पानी देने के बाद में पुलिस ऑफिसर प्रोफेसर को बताते हैं कि उनके घर से किसी ने लड़कियों की आवाजें सुनी है और किसी ने कंप्लेंट करी है, साथ ही प्रोफेसर की गाड़ी भी ट्रक ड्राइवर की गाड़ी के पास ही मिली है जिसको प्रोफेसर ने ऑलरेडी मार डाला है। ये सुनने के बाद में प्रोफेसर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर चिल्लाते हैं और उनको जबरदस्ती पानी पीने को कहते हैं। अब ऐसे के अंदर एक पुलिस ऑफिसर तो पानी पी लेता है, लेकिन दूसरा पुलिस ऑफिसर गुस्से के अंदर गिलास गिरा देता है, जिसपे प्रोफेसर उसको अंदर से टावेल लाने की बात कहता है और अंदर चला जाता है, और वो अंदर से वही इंजेक्शन बेहोशी वाला लेके आता है। अब जब प्रोफेसर कपड़े में छिपा करके बेहोशी वाला इंजेक्शन लेके आता है, तो उसके हाथ से कपड़ा और इंजेक्शन दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। ये देखने के बाद में पुलिस वाले समझ जाते हैं कि प्रोफेसर कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है, तो इस पे प्रोफेसर से वो सवाल पूछते हैं, लेकिन प्रोफेसर उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है, और प्रोफेसर पुलिस वालों से कहता है कि तुम बिना वारंट के मेरे घर में घुस करके मुझसे पूछताछ नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद में दोनों पुलिस वाले वारंट लेने के लिए प्रोफेसर के घर से निकल जाते हैं। पुलिस वालों के जाने के बाद में प्रोफेसर वापस से अपनी लैब के अंदर जाता है, लेकिन वहां पे उसको ह्यूमन सेंटीपेड नहीं मिलता। उसका जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था इंसानों के साथ में, वो तीनों उसको वहां पे नहीं मिलते। वो वहीं पे लैब के अंदर एक जगह पे छिप जाते हैं, और मौका देख करके जैपनीज इंसान प्रोफेसर के पांव में चाकू घुसेर देता है, जिससे प्रोफेसर जमीन पे गिर जाता है। प्रोफेसर के जमीन पे गिरने के बाद में जैपनीज इंसान प्रोफेसर की गर्दन पे काट लेता है और उनकी गर्दन से मांस बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद में प्रोफेसर ऑलमोस्ट बेहोश हो ही जाते हैं। तभी ह्यूमन सेंटीपेड ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन काफी ज्यादा कमजोरी होने के कारण वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते और उनके स्टिचिंग वाले पार्ट से काफी सारा खून भी निकलने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ जाते हैं, और जहां पे प्रोफेसर भी उनके पीछे पीछे आने लग जाता है। अब ये तीनों एक कमरे में पहुंचते हैं, और कमरे में पहुंचने के बाद में ये वहां की खिड़की को तोड़ देते हैं। तभी इन्हें मालूम चलता है कि प्रोफेसर भी इन्हीं के पीछे आ रहा है इनको मारने के लिए। तभी जैपनीज इंसान एक कांच का टुकड़ा उठा करके अपनी गर्दन काट लेता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर वारंट लेके प्रोफेसर के घर पे वापस आते हैं, और वो प्रोफेसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं मिलता। वो लैब में जाते हैं जहां पे उनको खून के निशान मिलते हैं, और वो प्रोफेसर को ढूंढने के लिए ऊपर आ जाते हैं। अब जब वो ऊपर आते हैं, तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को नशा होने लगता है। ये उसी पानी की वजह से है जिसके अंदर ड्रग मिला करके प्रोफेसर ने उसको पीने को दिया था। पुलिस ऑफिसर प्रोफेसर को ढूंढ ही रहा होता है, तभी वो पूल के पास आता है, और वो देखता है कि उसके साथी को प्रोफेसर ने ऑलरेडी गोली मार करके मार डाला है, और प्रोफेसर उस पुलिस ऑफिसर को भी गोली मार देता है, लेकिन मरते वक्त पुलिस ऑफिसर भी प्रोफेसर को गोली मार देता है, जिससे दोनों आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। अब उस पूरे घर के अंदर ह्यूमन सेंटीपेड के अलावा कोई भी नहीं बचता, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी देखने के लिए बहुत ही ज्यादा वाहियात है। इसके लिए मैंने कोशिश करी कि इस मूवी को मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। इस मूवी के आगे के भी दो पार्ट है। अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रेस्पॉन्स आता है, तो मैं आगे के दो पार्ट को भी आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए